नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए, आज पूरी दुनिया जिस बीमारी से त्रस्त है यानी कोरोना वायरस से, आज हम उसी की अपडेट लेकर आज आप लोगों के सामने हम हाजिर हुए हैं। पूरे विश्व से लेकर और अपने देश तक जो इसका अपडेट है वो अपडेट हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो देखिए, वर्ल्डोमीटर के हिसाब से ही ये जो हमारा पैमाना है, जो संख्या है वो लिया गया है। अगर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो संक्रमितों की संख्या है कोरोना से वो है 44,44,855 टोटल लोग संक्रमित है इस कोरोना वायरस से। चलिए, अब जो 298,416 इससे लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। 298,416 यानी अगर कल तक हम इंतजार करते हैं तो ये आंकड़ा 3,00,000 के पार जा सकता है, चला ही जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब जो अगला इसका रिकवर यानी जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं वो है 16,68,901 लोग इस बीमारी से सही भी हो चुके हैं। देखिए, जो इस बीमारी से सबसे ज्यादा जो देश त्रस्त है वो है अमेरिका। हालांकि वो पूरी दुनिया की एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति है, लेकिन वो इसमें इस बीमारी से बहुत ज्यादा त्रस्त है। इसमें भी शायद उसका जो एक नंबर पूरी दुनिया में रहता है, इसमें भी वो एक नंबर पे। अमेरिका में 14,30,348 केसेज हैं, ठीक है, जो कि और बाकी जो देश हैं उनसे बहुत वो आगे है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो स्पेन है, जहाँ पे 271,095 केसेज हैं और जो मौत है वो है 27,104 लोगों की मौत वहाँ पे हो चुकी है। और अगर अमेरिका की हम मौत की बात करें तो यहाँ पे 85,197 लोगों की मौत हो चुकी है और स्पेन में 27,104 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना बीमारी से। अब चलिए, अब एक देश है रसिया, जो कि बड़ा ही निश्चिंत रूप से बैठा हुआ था, लेकिन अब वहां पे बहुत ही ज्यादा रूप में संक्रमण मिल रहे हैं। रसिया जो है वो तीसरे पावदान पे आ चुका है, वर्ल्डोमीटर में तीसरे पावदान पे आ चुका है। यहाँ पे जो एक्टिव केस है, जो वहां पे संक्रमण की संख्या है वो है 252,245 केस है, लेकिन जो इसमें मृत्यु है वो काफी हद तक कुछ कंट्रोल में है, 2305 मात्र मृत्यु है। जो हमारे यहाँ जो केसेज है, केसेज में तो बहुत आगे है, लेकिन जो इसकी रिकवरी, जो मान लीजिए कि मौत का जो आंकड़ा है इसका, वो बहुत कम है, ये एक संतोषजनक बात है। चलिए, अब हम आ जाते हैं इंडिया पे, जो इस पावदान में 12वें स्थान पे है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 78,194 लोग इससे पूरी तरीके से संक्रमित है और जो यहाँ पे मौत हो चुकी है वो है 2551 यानी 2551 लोगों की यहाँ पे इस बीमारी से मौत हो चुकी है। जो यहाँ पे मौत का आंकड़ा है वो 3% के आसपास है, यानी 100 लोग अगर इस बीमारी से संक्रमित होते हैं तो उनमें से तीन के आसपास ही लोग, तीन लोग मर पाएंगे, बाकी लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं। 32% जो हमारे देश की 32% रिकवर रेट है, यानी 100 में से 32 लोग रिकवर कर जाते हैं और बाकी लोग अभी हॉस्पिटलाइज है, वो भी रिकवर कर जाएंगे और 3% की इसमें मौत होती है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं चीन की, जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो आज पूरी तरीके से उस पर काबू पा चुका है। अब काबू पा चुका है या वहां पे बढ़ोतरी हो रही है, इसकी जो मीडिया है वहां पे वो सरकार दिया है, उस सरकार की निगरानी में ही काम करती है। हमारे तरह वहां की मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं है। तो वहां पे 82,929 केसेज है और जो वहां पे मौत की संख्या है वो 4,600 के आसपास वहां पे मौत है चीन में। अब इंडिया जो है, आज हम यह वीडियो बना रहे हैं 14 मई को, लेकिन 15 मई को जब आप देखेंगे तो जो इंडिया है, भारत, ये चीन से एक पावदान आगे बढ़ चुका होगा। जहां तक जो केसेज आ रहे हैं इससे पूरी तरीके से यह साबित होता है कि ये कल तक चीन को पीछे छोड़ देगा इंडिया। अब चलिए, अब जो इंडिया से कुछ नीचे कुछ
कम संक्रमित वाले देश हैं उसकी हम बातें करते हैं कि वहां पे जो मौत का आंकड़ा है वो किस तरह से है। तो इस पौधान में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के नीचे है पेरू, पेरू एक देश है, यहाँ पे 76,306 केसेज हैं, लेकिन जो मौत है वो हमसे कम है, 2,169 यहाँ पे मौत है। चलिए अब हम बात करते हैं कनाडा की, यहाँ पे 72,278 केसेज हैं, लेकिन जो मौत है ये काफी ज्यादा है हम भारत की अपेक्षा और केस की अपेक्षा, यहाँ पे 5,302 मौत है, जो मौत का यहाँ पे आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की, बेल्जियम में 54,288 केसेज हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मौत का आंकड़ा है वो भी ज्यादा है, 8,903 यहाँ पे मौत का आंकड़ा है। सऊदी में केस है 44,000 के से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो मौत है काफी कम है, यहाँ पे 273 केवल मौत है। नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 43,211 केसेज हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, 5,562 यहाँ पे मौत है। मेक्सिको की अगर हम बात करते हैं तो मेक्सिको में 40,186 यहाँ पे केस है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो हम लोगों से ज्यादा है, केस तो कम है, लेकिन जो भारत से यहाँ पे 40,000 केसेज है, लेकिन जो 4,220 यहाँ पे मौत हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 35,788 केसेज है और जो मौत है वो कम है, 770 मौत है। तो ये था अभी तक का अपडेट कोरोना वायरस को लेकर, और जो एक खुशी की बात आप लोगों के लिए ये होगी कि हम सभी के लिए होगी कि जो अमेरिका है उसमें जो अब जो संक्रमितों की संख्या है वो उसमें अब घटोतरी आना, उसमें गिरावट आना, पहले की अपेक्षा अब उसमें गिरावट आना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोग इस जो लाइनिंग है उस लाइनिंग में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो लाइनिंग है वो अब नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, पहले तो मान लीजिए कि बिल्कुल खड़ा भाग रहा था, लेकिन अब कुछ उसमें गिरावट, वहां की संक्रमितों की संख्या जो है उसमें अब कुछ गिरावट आना शुरू हो चुका है, लेकिन जो आप भारत है इसमें अभी गिरावट नहीं, इसमें अभी बढ़ोतरी ही दर्ज किया जा रहा है। औसतन अगर हम देखें तो आज हफ्ते दिन से 4,000 के आसपास डेली केसेज आ रहे हैं, और ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अभी बढ़ोतरी में ही जाएगा। आप देखने वाली बात होगी कि ये कहां तक बढ़ोतरी में जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।